भी कामुक तस्वीरों को जरूर देखा होगा, लेकिन अगर यही तस्वीर मंदिरों पर बनी हो तो ये काफी हैरानी की बात है। इन हैरान करने वाले प्राचीन स्मारकों में खजुराहो के प्राचीन मंदिरों का नाम भी शामिल है, जो अपनी बेहद बारीक नक्काशियों और कामुक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी ये कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी लोगों को हैरत में डाल देती है। इन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन मूर्तियों को क्यों बनाया गया। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इन मूर्तियों का इतिहास व इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में ही जानने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नाम का एक शहर है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। बताया जाता है कि इस शहर का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा था क्योंकि एक समय यहाँ खजूर के पेड़ों का एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्राचीन समय में इस शहर के गेट पर खजूर के दो बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिनकी वजह से इसका खजुराहो नाम रखा गया था। वैसे सही कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि इस शहर के नाम का कनेक्शन खजूर के पेड़ से ही है। हालांकि इस समय की अगर बात करें तो आज ये शहर अपने नाम या खजूर के पेड़ों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद कामुक मंदिरों के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। दरअसल खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरासतों में से एक माना जाता है। इन सभी मंदिरों को एकत्रित रूप से खजुराहो स्मारक समूह का नाम दिया गया है। इन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत इनकी दीवारों पर बनी हुई वो कामुक मूर्तियां हैं जो यहां आने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती रहती है। साथ ही ये मूर्तियां पूरी दुनिया को ये दिखाती है कि भारत की प्राचीन मूर्ति कला कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। इन मंदिरों के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1986 में यूनेस्को द्वारा मंदिरों के इस समूह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया गया था। अब यूं तो भारत में और भी बहुत से ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां कामुक मूर्तियां बनी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में वो बात नजर नहीं आती जो खजुराहो के इन मंदिरों में है। बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण सन 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला राजवंश के दौरान करवाया गया था। साथ ही इसको बनाने की शुरुआत चंदेला राजवंश के पहले शासक राजा चंद्रवर्मन के द्वारा की गई थी। यही वजह है कि आज इन मंदिरों को बनाने का पूरा श्रेय राजा चंद्रवर्मन को ही दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजा चंद्रवर्मन चंदेला राजवंश के सबसे महान राजा माने जाते हैं, क्योंकि 8वीं सदी में उनके द्वारा ही इस राजवंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों, उस समय उनके इस साम्राज्य को बुंदेलखंड नाम दिया गया था। आज के समय के हिसाब से देखें तो राजा चंद्रवर्मन का ये चंदेला साम्राज्य यमुना और नर्मदा नदियों के बीच बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। दोस्तों, चंदेला राजवंश के सभी शासकों को कला से बहुत प्यार था। यही वजह है कि अपने शासन काल में उन्होंने इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण कराया था। इन सभी मंदिरों का निर्माण होने में लगभग 165 सालों का समय लग गया था। इस दौरान चंदेला राजवंश के शासक जरूर बदलते रहे, लेकिन मंदिरों के निर्माण का कार्य इसी तरह चलता रहा। इतिहासकार बताते हैं कि शुरुआत में इन मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 25 मंदिर ही बच पाए हैं जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। दरअसल मंदिरों की दीवारों पर बनी उन कामुक मूर्तियों की वजह से बहुत से लोग इन्हें अश्लील और धर्म के विरुद्ध मानते थे। इसीलिए इतिहास में कई बार इन मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास किए गए, जिसमें काफी मंदिरों को ध्वस्त भी कर दिया गया। इसके अलावा गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक और लोदी वंश के सिकंदर लोदी जैसे और भी कई शासकों ने कई बार इन मंदिरों को नष्ट करने के प्रयास किए, और इस तरह नष्ट होते होते आज खजुराहो में सिर्फ 20 से 25 मंदिर ही बाकी रह गए हैं। दरअसल खजुराहो के मंदिरों पर बनी इन कामुक मूर्तियों में स्त्रियों और पुरुषों के बीच होने वाली काम क्रिया के अलग अलग आसनों को दिखाया गया है। इन दीवारों पर कामसूत्र के अलग अलग आसन बड़ी ही खूबसूरती और कलाकारी से प्रदर्शित किए गए हैं। वैसे अगर आप सोचते हैं कि इन दीवारों पर सिर्फ ये कामुक मूर्तियां ही बनाई गई हैं, तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि इन मंदिरों में कामुक मूर्तियों के अलावा बहुत सी ऐसी मूर्तियां भी हैं जो इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाती हैं। अब समाज की अगर बात करें तो मंदिर पर बनी ये कामुक मूर्तियां उन्हें काफी अजीब और अश्लील नजर आती है, और बहुत से लोग इन मूर्तियों के होने का कड़ा विरोध भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम इंसानों के बीच
सेक्स हमेशा एक गुप्त क्रिया मानी जाती है। ऐसे में मंदिर जैसी पवित्र जगह पर खुले रूप से इस तरह की मूर्तियों का होना कोई आम बात नहीं है। अब ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इन मंदिरों की दीवारों पर इन मूर्तियों को क्यों बनाया गया, और अगर ये मूर्तियाँ समाज को कोई खास मैसेज देती हैं तो वो मैसेज क्या है। दोस्तों, मंदिर पर इस तरह की मूर्तियाँ बनाने का मकसद क्या था, इसका एक सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन दुनिया के कुछ अलग अलग विद्वानों के द्वारा इन मूर्तियों के बनाए जाने के पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। तो चलिए हम इन मूर्तियों के बनाए जाने के कुछ प्रसिद्ध कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण, दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों में इन कामुक मूर्तियों को बनाने का सबसे बड़ा कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में बताया गया है कि काशी के रहने वाले एक प्रसिद्ध ब्राह्मण राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। एक दिन शाम के समय हेमवती एक तालाब में स्नान कर रही थी कि तभी चंद्रमा यानी चंद्रदेव की नजर हेमवती पर पड़ गई। तालाब के पानी में भीगे हेमवती के सौंदर्य को देखकर चंद्रदेव उसी पल उन्हें अपना दिल दे बैठे। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए और अपना रूप बदलकर तुरंत हेमवती के पास पहुंच गए। उन्होंने हेमवती को पाने के लिए उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ जंगल ले गए। जंगल में जाने के बाद हेमवती को भी उनसे प्यार हो गया और इस मिलन से हेमवती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने चंद्रवर्मन रखा। समाज के डर से हेमवती ने अपने बेटे का पालन पोषण जंगल में ही किया था। वह शुरुआत से ही अपने बेटे को एक महान शासक बनाना चाहती थी। चंद्रवर्मन ने बड़े होकर चंदेल वंश की नींव रखी और अपनी माँ का सपना पूरा करते हुए वह एक महान राजा और वीर शासक बन गए। एक रात चंद्रवर्मन की माँ हेमवती उनके सपने में आई और उन्होंने चंद्रवर्मन को ऐसे मंदिर बनाने को कहा जो समाज में ये संदेश पहुँचाए कि इंसान की जिंदगी में दूसरी अहम चीजों की तरह ही उसकी सेक्सुअल डिजायर भी जिंदगी का अहम हिस्सा होती है और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करना किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होता। ये सपना देखने के बाद चंद्रवर्मन ने ये ठान लिया कि वे अपनी माँ की इस इच्छा को हर हाल में पूरा करेंगे और काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इन मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो नगर को चुना था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने खजुराहो को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और फिर अपनी इस राजधानी में उन्होंने 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ करवाया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर ये 85 भव्य मंदिर बनवाए गए जो अपनी खूबसूरती और कलाकृतियों के लिए आज भी दुनिया भर में फेमस है। और दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार इस तरह ये मंदिर दुनिया के अंदर अस्तित्व में आए और इसलिए इन पर इस तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। दूसरा कारण, दोस्तों, बहुत से खोजकर्ता का कहना है कि ये मूर्तियां इसलिए बनाई गई थी ताकि यहां आने वाले लोग अपने मन से सभी तरह के भोग विलास को खत्म करके साफ मन से मंदिर के अंदर जाएं। दरअसल इन विद्वानों का ये कहना था कि इंसान अपनी विलासिताओं से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह खुद उसका एक्सपीरियंस ना कर ले, और लोगों को उनकी विलासिताओं का अनुभव कराने के लिए ही मंदिर की बाहरी दीवारों पर ये मूर्तियां बनाई गई थी। दोस्तों, इन मूर्तियों को इस तरह से बनाया गया है कि मंदिर में जाने वाले हर एक व्यक्ति की नज़र इनके ऊपर जरूर पड़ती है और इस तरह इन मूर्तियों की वजह से लोग एक साफ मन को लेकर इन मंदिरों में प्रवेश करते हैं। तीसरा कारण, दोस्तों, इस तरह की मूर्तियां बनाने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जिस जमाने में ये मंदिर बनाए गए थे उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैल रहा था और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उस समय के ज्यादातर युवा अपना घर बार और कामकाज को छोड़कर ब्रह्मचर्य और सन्यासी जीवन को अपनाने लगे थे। बताया जाता है कि उन युवाओं को फिर से गृहस्थ जीवन की तरफ लुभाने के लिए ही खजुराहो सहित देश भर में इस तरह के मूर्तियां बनाए गए थे। दरअसल हिंदू और जैन धर्म के लोग युवाओं को ये समझाना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन अपना कर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, इसीलिए इस तरह के मंदिरों को अलग अलग जगहों पर बनाया गया था। चौथा कारण, इन मंदिरों पर ये मूर्तियां बनाने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि चंदेल राजवंश के दौरान इस साम्राज्य में तांत्रिकों का एक समुदाय रहा करता था और इस समुदाय के लोग उस समय योग व भोग दोनों को ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानते थे। वे लोग इस बात को समाज में पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इन मंदिरों पर इस तरह की मूर्तियों का निर्माण कराया था। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत के मशहूर आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो ने इन मूर्तियों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सबसे अच्छी धरोहर बताया है। दरअसल ओशो ने अपने प्रवचन संभोग से समाज की ओर में खजुराहो के इन मंदिरों पर खुलकर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा है कि खजुराहो में नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर भी
आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें कुछ गंदा है। आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि बनाने वाले की सोच गंदी थी। यहाँ तो इन मैथुन प्रतिमाओं को देखकर शांति और पवित्रता का अनुभव होता है, जो बड़ी ही हैरानी की बात है। ओशो ने कहा था कि जो लोग अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रख पाते, उन्हें इन मंदिरों को देखने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि मंदिरों की दीवारों पर बनी इन मूर्तियों को अगर कोई इंसान ध्यान लगाकर सिर्फ घंटे भर देख ले, तो इससे उसकी वासना हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वे इन मूर्तियों को मेडिटेशन का सबसे अच्छा ऑब्जेक्ट मानते थे। इसी तरह दोस्तों, अलग अलग लोग खजुराहो के इन मंदिरों और मूर्तियों को बनाने के पीछे अपनी अलग अलग राय और सोच रखते हैं। वैसे इनको बनाने की सही वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इन्हें देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि इनको बनाने वाले कारीगर वाकई कमाल की प्रतिभा वाले रहे होंगे। तभी तो उन्होंने उस जमाने में भी बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से इतने जबरदस्त स्ट्रक्चर्स बनाकर खड़े कर दिए। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये कामुक मूर्तियां बनाने के पीछे क्या वजह रही होंगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।